हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खजूर वाली मीठी चटनी की रेसिपी। खजूर वाली मीठी चटनी बनाना बहुत ही आसान होता है और ये झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए फिर बनाते हैं हम मीठी चटनी। खजूर वाली मीठी चटनी बनाने के लिए हमने 80 ग्राम खजूर लिए हैं। खजूर के हमने यहाँ पर बीज निकाल दिए हैं और खजूर को हमने बारीक बारीक काट लिए हैं। मार्केट में खजूर आपको ईजिली मिल जाता है। तो ये देखिए, हमने इसको बारीक काट लिया है। अब हमें करना क्या है, हमें इसको पीसना है। तो पीसने के लिए दो तरीके हैं, या तो पहले आप उबाल लीजिए इसको तब पीस लीजिए, या फिर इसी तरीके से इसे कच्चा इसी तरीके से पीस लीजिए। तो मैं इसको इसी तरीके से बिना उबाले ही इसको पीस रही हूँ। इसमें हम किशमिश भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर किशमिश का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम बिना किशमिश के ही ये खजूर वाली मीठी चटनी बना रहे हैं। और इसमें हम डालेंगे थोड़े से गरम मसाले, यानी खड़े गरम मसाले। उसमें हमने सिर्फ लिया है दो बड़ी इलायची और कुछ लिए हैं हमने यहाँ पर काली मिर्च के दाने। हम इसमें जो चटनी बनाएंगे उसमें हम गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने यही मसाले इसमें डाले हैं। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए, हमारे यहाँ पर ये जो खजूर हैं वो पिस चुके हैं। यहाँ पर हमने फ्राई पैन रख दिया है और गैस भी हमने ऑन कर दिया है। इसमें हमने डाल दिया है आधा ग्लास पानी और हमने यहाँ पर लिया है 50 ग्राम गुड़। इसमें हम चीनी का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो गुड़ हमें लेना है थोड़ा कम ही लेना है, क्योंकि जो खजूर है वो भी मीठे हैं, गुड़ भी मीठा है और चीनी भी। तो उसी हिसाब से आपको मीठा लेना है। एक बार आप देख लीजिए कि आप खाली गुड़ गुड़ सी चटनी को बना रहे हैं या चीनी डाल के बना रहे हैं। अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो चीनी भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप गुड़ ही डालें। ये देखिए, और हमने यहाँ पर खजूर को मिक्स कर दिया है पानी में और अच्छे से इसको चला लिया है। तो गुड़ को हम यहाँ पर मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए, और गैस को हमें यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। देखिए, अच्छे से चला के गुड़ को यहाँ पर मेल्ट कर लेंगे। गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हमने डाला है 3 बड़े चम्मच यहाँ पर चीनी के। थोड़ी सी हमने यहाँ पर इमली को पानी में पहले ही भिगो दिया था और जो उसका पानी था वो हमने इसमें डाल दिया है। हमने इसमें डाला है आधा छोटी चम्मच सादा नमक, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटी चम्मच यहाँ पर काला नमक का डाला है हमने। नमक दोनों पहले आप चेक कर लीजिएगा कि ज़्यादा ना हो, तो उसी हिसाब से आप नमक का इस्तेमाल करें। ये देखिए, हमने सबको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर दिया है। अब इसे उबाल आने देंगे हम इसमें, और ये चटनी बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। आप इस चटनी को ज़रूर बनाइएगा। इस चटनी को आप किसी भी चाट के साथ खा सकते हैं। ये देखिए, हमने इसमें डाला है आधा छोटी चम्मच यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से जो चटनी में कलर आता है काफ़ी अच्छा कलर आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये डाला है। जो मार्केट में जो चटनी मिलती है उसमें वो फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पर कोई फूड कलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, इसको अच्छे से चला लेंगे हम यहाँ पर। ये जो खजूर है थोड़ा मोटा मोटा ही है, इसमें जो पिसा है ये, तो हमें करना क्या है, हमें इसको छन्नी में छानना है। तो अब हमारा देखिए अच्छे से पक चुका है, तो हम एक बार इसे सबको छन्नी में छान लेंगे ताकि जो भी मोटा इसमें कुछ रह जाएगा वो अलग रह जाएगा। तो ये देखिए, अच्छे से छन चुका है और हमारा बिल्कुल चटनी के लिए एक अच्छा सा ये पेस्ट रह गया है बनके। तो इसको अच्छे से पका लेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। और गैस को हमें यहाँ पर लो फ्लेम पर ही रखना है। ये देखिए, अच्छे से हमारी चटनी यहाँ पर बनके बिल्कुल तैयार है ये। और इतने ही हमें चटनी को गाढ़ा रखना है। और इसमें हम डालेंगे तरबूज के बीज। आप खरबूज के बीज भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर तरबूज के बीज लिए हैं। अगर बीज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वो ना डालें। आप कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, वो आपके अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं आप क्या डालना चाहते हैं। इसको अच्छे से चला लेंगे और हमें चटनी को और ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो वो बहुत गाढ़ी हो जाएगी। डालने में भी वो एक तरफ, अगर आप डालोगे तो एक तरफ ही वो गिर जाएगी। इस तरीके से चटनी फैलेगी नहीं चारों तरफ को। तो हमें इतना ही पतला रखना है क्योंकि ठंडा होने पर खुद ही गाढ़ी हो जाती है। हमें किसी बर्तन में निकाल लेंगे इस चटनी को। तो ये देखिए, हमने एक बाउल में चटनी को निकाल लिया है और मैं आपको अभी दिखाती हूँ चटनी कितनी अच्छी बनी है। चम्मच से जैसे आप डालेंगे एकदम से ये इस चटनी इस तरीके से गिरेगी। ये देखिए, इतनी ही गाढ़ी हमें चटनी चाहिए ये किसी भी चाट के लिए। इस चटनी को आप पानी पूरी, समोसा, कचौड़ी, पकौड़े, भल्ले पापड़ी चाट, टिक्की में डाल सकते हैं। किसी भी चाट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और लंबे समय के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि मीठी चटनी डेली डेली नहीं बनाई जाती है, तो इसलिए आप इसे स्टोर करके रखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।